नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है। एक साथ दो फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकता है फिजिकल मोड में। इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहें तो एक साथ दो डिग्री ले सकते हैं फुल टाइम। आप लोगों को पता होगा इससे पहले ये पॉसिबल नहीं था, और आज यानी 13 अप्रैल से यूजीसी ने इसके लिए गाइडलाइंस भी इशू कर दी हैं। आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर गाइडलाइंस चेक कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं करता था दो फुल टाइम प्रोग्राम्स में एक साथ एडमिशन लेने के लिए। इससे पहले कोई भी स्टूडेंट इंडिया में एक फुल टाइम डिग्री कोर्स में एडमिशन ले सकता था, और साथ ही या तो दूसरा कोर्स ऑनलाइन या शॉर्ट टर्म या कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकता था, लेकिन दो फुल टाइम डिग्री कोर्स करना पॉसिबल नहीं था इससे पहले। तो है ना गुड न्यूज़, अब कोई भी स्टूडेंट अगर चाहे तो किसी भी कॉलेज से दो डिग्री कोर्स एक साथ कर सकता है। मान लीजिए कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, उसको हिस्ट्री ऑनर्स भी करना है और ज्योग्राफी ऑनर्स भी, तो वो अब अगर चाहे तो ये दोनों कोर्स एक साथ कर सकता है एक ही एकेडमिक ईयर में। देखिए, ये जो गाइडलाइन है यूजीसी की, ये इंडिया में जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं सबके लिए अप्लाई होंगी, और इसके अंडर अगर कोई भी स्टूडेंट चाहे तो एक डिप्लोमा प्रोग्राम और एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एक साथ एडमिशन ले सकता है, या फिर वो दो मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है या दो बैचलर डिग्री प्रोग्राम में। और अगर कोई स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए एलिजिबल है और साथ ही वो बैचलर डिग्री भी करना चाहता है किसी डिफरेंट डोमेन में, तो वो दोनों में एक साथ एडमिशन भी ले सकता है नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। और इस तरीके से कोई भी स्टूडेंट एक साथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एक साथ कर सकता है। मार्च 31st को यूजीसी की एक मीटिंग हुई थी, और इसमें ये डिसाइड किया गया था कि अब से लेकर जो भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं फ्यूचर में, वो किसी भी दो एकेडमिक प्रोग्राम्स में एक साथ एडमिशन ले सकेंगे, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो इस बात पर जोर देती है टू फैसिलिटेट मल्टीपल पाथवेज टू लर्निंग इन्वॉल्विंग बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर्म्स, इन द सेंस दैट ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फिजिकल मॉडल एज वेल एज द ऑनलाइन फॉर्म शुड बी यूज्ड टू प्रोवाइड मोर फ्रीडम टू द स्टूडेंट टू एक्वायर मल्टीपल स्किल्स। यूजीसी की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स दो डिग्री एक साथ कर सकेंगे किसी भी डोमेन में, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड ए वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स। हालांकि यूजीसी की ये जो नई गाइडलाइंस हैं जिसके अंडर एक स्टूडेंट दो डिग्री एक साथ कर सकता है, उसे एडोप्ट करने का जो डिसीजन है वो यूनिवर्सिटीज़ का अपना होगा। वो चाहें तो इसे एडोप्ट कर सकती हैं और चाहें तो ना करें। और कोई भी यूनिवर्सिटी इन नई गाइडलाइंस को तभी अप्लाई कर सकती है जब यूनिवर्सिटी की जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है वो इसको अप्रूवल दे। और देखिए, किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वो पहले की तरह होगा। जैसे पहले किसी प्रोग्राम में एडमिशन होते थे अब भी उसी तरीके से होंगे, चेंज सिर्फ इतना हुआ है कि अब आप एक साथ दो प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही कोर्सेज में एडमिशन भी उसी तरीके से होगा जैसे कि अब तक होता रहा है अकॉर्डिंग टू द यूजीसी एंड यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। अभी मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट कैन परसू टू फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स इन द फिजिकल मोड, यानी आपको वहां पर फिजिकली क्लासेस लेनी होंगी उसके लिए। और ये भी जरूरी है कि अगर कोई भी स्टूडेंट दो एकेडमिक कोर्सेज में एक साथ एडमिशन लेता है तो उसकी क्लासेस की जो टाइमिंग है आपस में ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, यानी एक कोर्सेज के क्लासेस की जो टाइमिंग है वो दूसरे कोर्सेज के क्लासेस की टाइमिंग के साथ क्लैश नहीं करनी चाहिए, और दोनों की क्लासेस अलग अलग होनी चाहिए ताकि आप दोनों क्लासेस कर सकें। साथ ही किसी भी कॉलेज का जो मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया है उसको भी फुलफिल कर सकें। साथ ही यूनिवर्सिटीज़ को इस मामले में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि क्या वो ऐसे कोर्सेज को ऑफर करना चाहती हैं अपने स्टूडेंट्स को या नहीं। यूनिवर्सिटीज़ किसी भी तरीके से यूजीसी की इस गाइडलाइंस के लिए बाउंड नहीं है, और ये जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस हैं दे विल ओनली बी एप्लीकेबल टू द लेक्चर बेस्ड कोर्सेज इंक्लूडिंग अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स। एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए जो नई गाइडलाइंस हैं ये लागू नहीं होंगी। इसका मतलब ये कि आप एक साथ दो पीएचडी प्रोग्राम या एमफिल प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकते, ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ही अवेलेबल है। यूजीसी के इस नए कदम से स्टूडेंट्स को ना सिर्फ एक साथ दो फिजिकल प्रोग्राम में एनरोल करने का मौका मिलेगा, बल्कि वो एक साथ दो एकेडमिक प्रोग्राम्स को परसू भी कर पाएंगे, और उनके पास ये ऑप्शन भी होगा कि उनमें से एक कोर्स को वो फुल टाइम फिजिकल मोड में परसू करें और दूसरे को ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में। और साथ ही वो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम के लिए क्लासेस वो फिजिकल मोड में लें यूनिवर्सिटी जाकर, और दूसरे प्रोग्राम के लिए क्लासेस वो ऑनलाइन ले सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स के पास ये भी ऑप्शन होगा अगर वो चाहें तो दोनों ही कोर्सेज के लिए ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और देखिए, यूजीसी के चेयरमैन का कहना है, जैसा आप सब लोगों को मालूम है, कि किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बाद उसके एग्जाम देने के लिए मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है, तो इस केस में यूनिवर्सिटीज को पूरा राइट होगा कि वो अपना अटेंडेंस क्राइटेरिया खुद से डिवाइस करें। यूजीसी ने इसके लिए कोई भी अटेंडेंस क्राइटेरिया मैंडेट नहीं किया है, और ये यूनिवर्सिटीज की अपनी पॉलिसीज होंगी।
देखिए आप लोगों को मालूम है कि हायर एजुकेशन की जो डिमांड है इंडिया में वो काफ़ी बढ़ रही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं और इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएशन के लिए निकलते हैं उनमें से सिर्फ 3% को ही फिजिकल कैंपस में एडमिशन मिल पाता है। साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि रिसेंट टाइम में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एज वेल एज ऑनलाइन एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन प्रोग्राम भी ऑफर कर रही हैं और अब UGC भी इस बात की तैयारी कर रही है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर वो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करती हैं स्टूडेंट्स के लिए तो उसको पूरे तरीके से रिकॉग्नाइज़ किया जाए और इससे उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जिन्हें ऑफलाइन कैंपसेस में एडमिशन नहीं मिल पाता। साथ ही UGC के चेयरमैन का ये भी कहना है कि UGC कपल ऑफ वीक्स में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मॉडिफाइड रेगुलेशंस को इशू करने वाली है और उसके बाद इंडिया की जो टॉप क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी ऑनलाइन डिग्री ऑफर करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए ये गुड न्यूज़ है इंडिया के हायर एजुकेशन के फील्ड में एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें या तो कॉलेज कैंपस में एडमिशन नहीं मिल पाता है हायर एजुकेशन के लिए या वो किसी वजह से फिजिकल मोड में हायर एजुकेशन को जारी नहीं रख पाते। तो आई थिंक ये बिग अनाउंसमेंट है UGC की तरफ से हायर एजुकेशन के फील्ड में। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।